पुणे के इंटरनेशनल ग्राउंड में अगर आप टूर्नामेंट करवा दो तो मजा ही आ जाएगा। हैं हमारे पाटन स्ट्राइकर्स के वही लेट्स सी 11 के खिलाड़ी रणनीति तैयार करते हुए फाइनल मैच की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। चैंपियनशिप लीग 2.0 आखिरी क्षणों की तरफ बढ़ती हुई फाइनल मैच, लेट्स सी। यहाँ पे सामान रह गया है टेबल पे, कोई भी उनका प्लेयर है प्लीज वो कलेक्ट करके ले जाए। यहाँ पे कमेंटेटर टेबल पे यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है। मिस्टर दीप पहले ओवर के लिए तैयार और मिस्टर प्रिंस पार्टन स्ट्राइकर की तरफ से स्ट्राइक एंड पे तैयार भर तैयार। दोनों बड़ी टीमें, बड़ा मैच, बड़ी टीमें स्टार्ट होने जा रहा है। धमाकेदार मैच यहाँ पे स्पार्टन स्ट्राइकर वर्सेस लेट्स सी 11। मिस्टर टीम इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट ओवर फॉर लेट्स सी 11 एंड मिस्टर प्रिंस इज गोइंग टू स्टार्ट द गेम फॉर स्पार्टन स्ट्राइकर। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट। पहली पे तोड़ आने की कोशिश थी लेकिन स्लिप पे बॉल गई, शॉट बॉल निकाल दिया पहली मिस्टर दीप ने। बहुत अच्छी गेंदबाज की शुरुआत की है, वही देखकर खेल रहे हैं मिस्टर प्रिंस, कोई गलती नहीं दोहराना चाहते, देखकर खेलना होगा, बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना होगा, सब कुछ यही मैच है आपको अपना दमखम दिखाने के लिए, ये आखिरी मैच है। और शॉर्ट बॉल ऑफ की तरफ शॉर्ट बॉल सीधा कीपर के हाथों में, बहुत अच्छी गेंद, बीट किया मिस्टर प्रिंस को। बड़ा मैच, बड़े गेंदबाज मिस्टर दीप, बड़े बल्लेबाज, बड़े नाम के बल्लेबाज मिस्टर प्रिंस दीप। और की तरफ घुमा दिया है, बॉल घूमी 4 रन के लिए, तीसरी गेंद पे बाउंड्री आती हुई।
चार रन के लिए बॉल को बाउंड्री के बाहर, स्लिप ट्रिप, फील्डर पकड़ नहीं पाए बॉल को, स्विंग होकर बॉल बाउंड्री के पार हो गई। अच्छी किस्मत के साथ यहां मिस्टर प्रिंस, देखना होगा कहां तक पहुंचते हैं। पहली बाउंड्री निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। और फिर से अच्छी बॉल ऑफ की तरफ गुड लेंथ बॉल डालते हैं मिस्टर दीप, क्योंकि अच्छी हाइट है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं वो। फिर से बीट हुए मिस्टर प्रिंस, चार गेंदों में चार रन। दीप ओवर की पांचवी गेंद लेकर आते हुए, और ये उठा दिया है बॉल को सर्कल के अंदर, नीचे फील्डर मौजूद, ये आउट। फिर से पवेलियन की तरफ, पवेलियन की तरफ परते मिस्टर प्रिंस। एक बड़ा झटका यहां पे स्पार्टन स्ट्राइकर्स को, पांच गेंदों में चार रन, पहली विकेट मिस्टर प्रिंस के रूप में। वापस पवेलियन की तरफ आते हुए नए बल्लेबाज मिस्टर स्वप्निल, मिस्टर स्वप्निल मिस्टर स्वप्निल पिछले मैच में अच्छे शॉट दिखाए थे इन्होंने, अभी इस मैच में दीप का सामना करेंगे। दीप बहुत अच्छी बॉलिंग लेंथ इनकी, चार रन दिए, एक विकेट झटका लिया उन्होंने स्क्वाडन स्ट्राइकर्स की। और ये बहुत अच्छी गेंद सीधी विकेट पे, उसको रोका मिस्टर स्वप्निल ने, बहुत अच्छी गेंद थी। एक ओवर यहाँ पे बहुत अच्छा ओवर निकाला, सिर्फ चार रन दिए उन्होंने, एक विकेट झटका लिया यहाँ पे स्क्वाडन स्ट्राइकर की। बहुत अच्छी गेंदबाजी दीप के द्वारा। अभी मिस्टर वाघ धुआंधार बल्लेबाज स्पार्टन स्ट्राइकर्स के, कल से खड़े हुए हैं क्रीज पे, बहुत अच्छे अच्छे शॉट दिखाए हैं इन्होंने, आज देखना अपनी टीम के लिए क्या निकाल पाएंगे। ये है आपके सामने फाइनल मैच का पिटारा, इस पिटारे में से कौन सा बल्लेबाज कितने रन लेके आता है देखना हमें। अगला ओवर लेकर आए हैं मिस्टर मशूक अली शाह, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के लिए। और ये घुमा दिया है जिस काम के लिए जाने जाते हैं ये है क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम मिस्टर ज्ञानेश्वर वर्ग करवाने में सफल हुए, देखना वो वापसी करते हैं इस ओवर में अपनी या नहीं। फिर से घुमा दिया, लीगन पीछे फील्डर मौजूद, दो फील्डर मौजूद, लेकिन वाघ जी को वापस आना पड़ा पवेलियन में, बॉल को अंदर ही खड़ा कर दिया, कोई मौका नहीं। ने 10 रन, 2 विकेट यहां पे गवा दिए हैं स्पार्टन स्ट्राइकर्स ने अपने, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे। पहले दीप की एक ओवर में सिर्फ 4 रन, फिर मशूक अली शाह 3 गेंदों में 6 रन, एक छक्का तो पड़ा इन्हें लंबा बाग जी ने लपकाया था इन्हें मिड ऑन की तरफ, लेकिन दूसरी बार फिर से कोशिश करते हुए नाकाम रहे मिस्टर बाग, 6 रन बनाकर वापस भरते। अभी नए प्लेयर मिस्टर सौम्य रंजन अक्सर ये टीम के लिए लास्ट ओवर्स में आकर धमाका करते हैं, अभी इनको कप्तान साहब ने पहले भेजा है, देखना है पहले जाने का फायदा उठा पाएंगे या नहीं। एक लंबी पारी खेलने का मौका है, 50-100 जड़ने का मौका है इनके पास। मिस्टर सौम्य रंजन बड़ा नाम, घुमा दिया ऑफ की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन,
इसीलिए इन्हें सौम्य रंजन बड़ा नाम कहा जाता है। आते ही पहली गेंद पे 4 रन, धमाका। बहुत उम्मीदें हैं इनको, इनसे टीम को, स्पार्टन स्ट्राइकर्स को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़े नाम का प्लेयर है जो अच्छे शॉट दिखाता है। और ये मौसम ने भी अपना मिजाज दिखाना शुरू किया, बहुत अच्छा मौसम हो गया दोनों टीमों के लिए। और यहाँ पे लोअर फुल टॉस बॉल, हल्की बॉल देने की, और ये चांस बनाना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है इसे, चेन फ्लाई स्पीड में लोअर फुल टॉस दिया लेकिन बहुत ही ज्यादा हल्का दिया। फिर से खेलने की कोशिश लेकिन जोड़कर लेंथ बॉल मशूक अली शाह के द्वारा। यहां 2 ओवर की समाप्ति पे 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे स्पार्टन स्ट्राइकर। यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे जर्सी 11 के खिलाड़ियों की तरफ से। अभी देखना है, सौम्य रंजन जी मैदान पे आ चुके हैं, 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ पे बॉलर ने प्लीज कीर्तन जी अपना ओवर आज लेके आए हैं पहला। मैं कम ना कर रहा दोबारा तेरे यार पक्के वन पॉइंट सेटअप करते हुए कप्तान साहब टीम के लिए प्रपोजल नंबर। और फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए टाइम दे रहे हैं कप्तान साहब। बहुत अच्छा फील्ड सेटअप। शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल दिया है इन्होंने सौम्य रंजन जी के घेरे में। ये बल्लेबाज है जो गोल को सामने की तरफ, सबसे लंबा जो घेरा है मैदान का, उस तरफ समंदर के पार पहुंचा देता है। इतनी क्षमता रखते हैं ये मिस्टर सौम्य रंजन, बाहुबली शरीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो इनका। बहुत अच्छा शॉट लेग की तरफ, गोल को समंदर का रास्ता दिखाया मिस्टर सौम्य रंजन, बिग हिटर फॉर स्पार्टन स्ट्राइकर। ऑफ की बॉल बीट किया यहाँ पे सौम्य जी को, बहुत अच्छी बॉल वापसी की केतन जी ने यहाँ पे। और ये वापस बॉलर थ्रू की तरफ आते हुए मिस्टर केतन बागले तीसरी गेंद आकर आ रहे हैं अपने ओवर की। सामना करेंगे मिस्टर सौम्य रंजन, और ये जोरकर लेंथ बॉल, बहुत अच्छी गेंद। सौम्य जी ने उतनी बखूबी से खेला उसे 1 रन के लिए, कोई रिस्क नहीं लिया, कोई चांस नहीं दिया। वहीं केतन जी की अच्छी गेंदबाजी। सामना करेंगे मिस्टर स्वप्निल, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ये, सिर्फ छक्कों में विश्वास रखते हैं। और ये घुमाने की कोशिश लेकिन नाकाम, और ये चांस बन सकता था, ये रन आउट चांस बन सकता था। तारीफ करनी होगी यहाँ पे मिस्टर केतन वागेला के, वागेला की लगातार जोरकर लेंथ बॉल डाल रहे हैं, बांध रखा उन्होंने स्पार्टन स्ट्राइकर्स को। सौम्य जी आगे आए हैं जो इनकी गुगली में फंस नहीं रहे हैं। और ये फुल टॉस बॉल, ये है बड़ा बल्लेबाज, बड़े नाम का बल्लेबाज। फुल टॉस बैंक को उन्होंने सिर्फ दिशा दिखाई, दो फील्डर के बीच में से बाउंड्री। बहुत अच्छी बल्लेबाजी मिस्टर सौम्य रंजन, फिर से जोड़कर लेंथ डालने की कोशिश थी लेकिन सौम्य जी ने उसको फुल टॉस बनाया और बाउंड्री निकाली लेग की तरफ से।
अच्छी गेम फिर से लगातार अच्छी बॉल करवा रहे हैं ये, लेकिन उतने रंजन जी थे जिन्होंने उसको बाउंड्री में तब दिए। तीन ओवर की समाप्ति है, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्पार्टन स्ट्राइकर। दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, लग रहा है ये जो दोनों टीमों ने समा बांधा है ये फाइनल मैच का समय है। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं मिस्टर धनराज पाटिल, कैप्टन लक्की 11, सामना करेंगे मिस्टर स्वप्निल। अभी तक तीन गेंदों में एक रन बनाकर खेल रहे हैं, देखना है क्या लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए। लेग की तरफ खेल दिया है ये लंबा शॉट है, ये छक्के के लिए जाएगा, ये बहुत ही अच्छी है स्वप्निल की तरफ से। फिर से लेग की तरफ खेल दिया है, इसी काम के लिए जाने जाते हैं ये मिस्टर स्वप्निल। दूसरा चक्का आ गया इनके बल्ले से। मिस्टर स्वप्निल ये है, मिस्टर स्वप्निल पीछे खिलाड़ी मौजूद है, विकेट, ये स्वप्निल जी की विकेट मिल गई है यहाँ पे मिस्टर पाटिल को। मिस्टर कप्तान साहब ने ये विकेट चटका ली है, लंबी हिट्स लगा रहे थे यहाँ पे मिस्टर स्वप्निल, लेकिन कप्तान साहब ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बहुत अच्छी बॉलिंग कहेंगे हम इसे, पहली दो गेंदों पे छक्के दबाव में नहीं आए, प्रेशर में नहीं आए पाटिल। तीसरी गेंद पे पाटिल ने ये विकेट निकाल दी, बहुत ही अच्छा। अभी गए हैं नए बल्लेबाज मिस्टर योगेश। देखना अपनी टीम के लिए निकाल पाएंगे, बहुत ही अच्छे ये बल्लेबाज है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ दी फॉर्म चल रहे थे, लेकिन उम्मीद है उनकी टीम को कि इस पारी में वो अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा करेंगे। और ये घुमाने की कोशिश आते ही लेकिन बीट हुए, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे मिस्टर पाटिल द्वारा। बहुत अच्छी यहाँ पे घुमाने की फिर से कोशिश लेकिन नाकाम, बहुत अच्छी गेंदबाजी मिस्टर पाटिल जी की तरफ से, लगातार अच्छी गेंदबाजी। हर ओवर में विकेट देते हैं, लास्ट में ये रनों को खींच जाते हैं, लेकिन इनको टिकने वाला बल्लेबाज नहीं मिल रहा अभी तक कोई। बहुत ही अच्छी बॉलिंग मिस्टर धनराज पाटिल द्वारा, 5 गेंदों में 13 रन तो दिए हैं लेकिन 2 विकेट झटक लिए उन्होंने। अभी मिस्टर सूरज सामने ये चढ़ा दिया है, सूरज उन्होंने ये उन्होंने लेग सी 11 के लिए सूरज चढ़ा दिया है। बहुत अच्छी यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति पे 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवरों के बाद स्कोर 46 पे पहुंच चुका है 4 विकेटों के नुकसान पे।
दोनों टीमें बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, तो लेट्स 11 की टीम ने 4 विकेट भी झटका दिए स्पार्टन स्ट्राइकर्स के। अभी संदीप दहिया जी अपना पहला ओवर लेकर आए हैं। ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम। मिस्टर संदीप दहिया अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। अभी तक का उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ। यहाँ पे देखना है पीछे खिलाड़ी पकड़ पाएंगे या नहीं, और ये बाउंड्री के साथ लग रहे हैं ऊपर से। लंबी, बहुत लंबी हिट थी ये, बहुत ज्यादा ऊपर। खड़ा तो करवा दिया था बॉल को, और ये फिर से अच्छी गेंद, और ये रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन नॉट आउट। बहुत अच्छी गेंदबाजी मिस्टर संदीप भैया। घुमाने की कोशिश लेकिन नाकाम। मिस्टर संदीप दहिया ने अपना काम कर दिया यहाँ पे। 4 रन विकेट निकाल लिया यहाँ पे संदीप दहिया ने, और विकेट किन का निकाला, मिस्टर सौम्य रंजन का, बड़े हिटर। क्या रन के लिए, बहुत अच्छी हिट स्ट्रेट में खेल दिया था उन्होंने, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन मिसफील्ड हुआ वहां पे। फिर से घुमाने की कोशिश,
एक रन जरूर मिलेगा वहां पे। गेंदबाजी मिस्टर संदीप भैया, छह गेंदों में 11 रन एक विकेट चटका दिया उन्होंने। यहां पे पांच ओवर की समाप्ति पे 56 रन। यहां पे पांच ओवरों की समाप्ति पे 57 रन, 57 पांच विकेट के नुकसान पे। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं मिस्टर केतन, सामना करेंगे मिस्टर हरपंत, एक बड़ा नाम, देखना है क्या कर पाएंगे। गेंद बहुत अच्छी गेंद, जोर कर लेंथ बॉल, वो भी ऑफ में, जो सबसे खतरनाक बॉल होती है, खेलना मुश्किल हो जाता है इसे। ये आपके लिए मिस्टर हरबंस, द कैप्टन ऑफ स्पार्टन स्ट्राइकर्स, 6 रन के लिए खेल दिया उन्होंने स्ट्रेट में। अगर ये मैदान पर खड़े रहते हैं आखिरी ओवर तक तो ऐसी हिट देखने को मिलेंगी आपको। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ये, ऑलराउंडर हैं, जितने अच्छे बल्लेबाज उतने ही अच्छे बॉलर हैं ये। घुमाने की कोशिश लेकिन नाकाम। चेतन बघेला वापसी करते हुए 18 रन पड़ चुके हैं उन्हें 2 ओवर 9 गेंदों में। सामना करेंगे सरपंच, फिर से घुमाने की कोशिश लेकिन अपने बॉलो थ्रू में चेतन जी ने पकड़ा, कोई मौका नहीं दिया। घुमाने की कोशिश लेकिन नाकाम। बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पे केतन जी की तरफ से। और ये शॉर्ट बॉल गेट की तरफ खेल दिया है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, 4 रन मिलेंगे यहां पे। यहाँ पे हरबंस जी को 4 रन जरूर मिलेंगे। मिड टॉन की तरफ खेल दिया उन्होंने 4 रन के लिए, मैट्री बोल से बिल्कुल साथो साथ। यहाँ पे 67 के स्कोर पे पहुंच गया 6 ओवरों के बाद 5 विकेट के नुकसान पे। अगला ओवर लेकर आए हैं मिस्टर संदीप तैया, पिछला ओवर बहुत ही खूब निकाला था इन्होंने, एक ओवर में एक विकेट चटकाया था, 11 रन दिए थे। अभी देखना है इस ओवर में क्या कर पाएंगे। सामना करेंगे मिस्टर सूरज, अभी तक एक बड़ी हिट लगा चुके हैं मिस्टर सूरज, एक ही गेंद खेली है 6 रन के लिए। ये मुझे लगता है ये सूरज चढ़ाकर ही आएंगे यार, लेट सी 11 का सूरज चढ़ाकर आएंगे। ये लगातार दूसरी गेंद में दूसरा छक्का मिला है।
मिलकर डिसीजन है, आपका डिसीजन हमारे लिए मान्य होगा। ये फाइनल मैच में आयोजक कमेटी के मेंबर भी है, इसलिए हमारा कमेटी का फैसला भी नहीं माना जाएगा। ये जो अंपायर्स फैसला करेंगे वही फाइनल होगा, दोनों टीमों को मान्य होगा। और आगे बढ़कर खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम। बहुत अच्छी गेंदबाजी संदीप दहिया की तरफ से। संदीप दहिया ने यहां पे वापसी की। यहां पे 73 रन लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पे 73, 5 विकेट के नुकसान पे। सातवें ओवर की 2 गेंदें और ये फिर से घुमाने की कोशिश लेकिन नाकाम। कोशिश लेकिन बहुत अच्छी गेंद मिस्टर संदीप दहिया की। फिर से ऑफ की तरफ खेला है, आगे स्पीडर मौजूद और ये ट्रैक हिट और ये आउट। ये आउट का यहाँ पे इशारा तक अंपायर की तरफ से। रन आउट मिस्टर सूरज को तो वापस आना पड़ेगा पवेलियन में। रन आउट हो गए हैं वो। छठा विकेट भी, छठा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे पाटन स्ट्राइकर्स का। यहाँ पे सातवें ओवर की 4 गेंद हो चुकी है 73/5 73। वन टू को 5 गेंदे हो चुकी है यहाँ पे सातवें ओवर की। 73 रन, 6 विकेट डाउन हो चुके हैं यहाँ पे स्पॉट स्ट्राइकर्स के। लेकिन हरबंस जी एक बड़ी उम्मीद अभी भी मैदान में। और ये फिर से घुमाने की और 6 विकेट डाउन 73 रन पे 73 का स्कोर। मांगे आप फोन करा रहे थे पर फोन कर दे रहा चिन में याद हूं कौन मारा है मैंने ऑस्ट्रेलिया वाला। हां गेंदे और करवाने आ रहे हैं मिस्टर दीप। कितना कैच है ये खतरनाक बॉलर है लेट्स 11 के। अभी तक का इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड। मैं आया ऑर्डर ही होता हूं फर्स्ट इनिंग चिन लास्ट ओवर है आता अजून सेकंड इनिंग बाकी है। ओवर आठवां ओवर लेकर आ रहे हैं कितने रन निकाल पाएंगे स्पार्टन स्ट्राइकर्स। बाउंस बॉल और ये वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्पार्टन स्ट्राइकर्स के खाते में। कितना रन हो जाने चाहिए से ऑफ की बॉल हाथों में 1 रन लेकिन जरूर मिलेगा। और यहाँ पे स्ट्राइक मिस्टर हरबंस के पास। देखना है 5 गेंदों में क्या निकाल पाएंगे। पांच गेंदे बाकी मैच की, 75 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। और ये बहुत अच्छी गेंद मिस्टर दीप के द्वारा। हरबंस जी को लगा वाइड है लेकिन बहुत ही अच्छा कटर मारते हैं मिस्टर दीप। तभी इनकी बॉल समझ में नहीं आती, आसानी है इनकी बॉल को खेलना। अच्छी कद काठी के मालिक हैं, उसका पूरा फायदा उठाते हुए। और ये घुमा दिया है पीटर मौजूद और ये आउट मिस्टर हरबंस। वापस पवेलियन आते हुए मिस्टर हरबंस
10-11 गेंदों में 15 रन बनाकर वापस मैदान में फोकस नहीं चला ना, फोकस चला के तो विकेट तो डाउन हो रही है लेकिन फोकस चला के तो नहीं मिल रही नहीं ना। अभी नए प्लेयर मिस्टर चंदन कुमार, तीन गेंदों में देखना कितने रन निकाल पाएंगे स्पार्टन स्ट्राइकर्स। अभी तक 75 रन स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं, देखते हैं मिस्टर चंदन कुमार क्या निकाल पाएंगे इस मैच में से। मौजूद एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पे। अभी आगे मिस्टर दर्पण शर्मा, अभी तक एक गेंद खेल चुके हैं, एक रन बनाया, दो गेंदें बाकी इस मैच की। दो गेंदें बाकी ओवर की, देखना इस दो गेंदों में क्या निकाल पाएंगे। तरफ खेलने की कोशिश बहुत ही ज्यादा बाहर थी गेंद, इस वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा पार्टनर स्ट्राइकर को। और ये खेल दिया लैकी का, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पे। दर्पण जी पे थोड़ा पे बॉल लगती हुई लेकिन बच गए, वो थोड़ा बचाव हो गया उनका। पे बॉल लगी है, अगर कुछ ज्यादा दिक्कत है तो वो बाहर भी आ सकते हैं अगर चोटिल हो गए हैं। लास्ट बॉल सामना करेंगे मिस्टर चंदन शर्मा, इनिंग की आखिरी गेंद, 78 रन बन चुके हैं यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे। और ये कोई रन नहीं, मिस कर गए बॉल को, 79 का टारगेट यहाँ 8 ओवर में, सिर्फ तो सिर्फ 975 की एवरेज चाहिए लेट्स सी 11 के खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए। एक छोटा टारगेट जरूर है लेकिन पिच भी अपना मिजाज बदलती है, अभी देखना है ये पिच किस तरफ मैच को लेकर जाती है।
ओवर की समाप्ति, लेकिन ये वाइड एक रन, अभी तक सिर्फ दो रन बने हैं बैट्समैन प्रेशर में। और ये बहुत ही बढ़िया ओवर, कृष्णा जी को बॉल समझ ही नहीं आई और निकल गई। एक रन, अच्छी बॉलिंग हो रही है यहाँ पे पाटन के द्वारा। कौन है वो? छह रन, शानदार छक्का। कृष्णा जी को बॉल दिखने लगी है लगता है। बहुत बढ़िया, दो ओवर के नुकसान पे दो ओवर हो चुके हैं और टोटल रन है 11 रन।
शाबाश लड़के, बढ़िया दबाव दड़िया लड़के, बोल के दबाव है। ओवर के नुकसान पे 3 ओवर के बाद 29 रन, 11 का स्कोर। कोई बात नहीं, सौम्या जी बॉलिंग करते हुए।
36 रन्स फॉर 4 ओवर्स। के 50 रन पूरे 50 रन और ओवर समाप्त के बाद बने हैं 50 रन 10 के स्ट्राइक रेट पे।
हेरन साठ रन हो गए हैं लेट्स सी इलेवन के फाइव पॉइंट फोर और ये जोरदार छक्का इनाज के काफी मजे हुए बॉलर बैट्समैन छियासठ रन हो गए फाइव पॉइंट फाइव दोनों जीत गए बारह बॉल पे ग्यारह रन चाहिए अभी जीतने के लिए छह ओवर 68 रन छोटी नहीं सूरज यार 72 अभी लेट्स सी 11 को सिर्फ सात रन चाहिए 7 रन टू विन 11 डिलीवरी अभी मैच हाथ में है for the loss of one wicket.
में फाइनलिस्ट मिल चुके हैं हमें, फाइनलिस्ट द लेट्स सी 11 के खिलाड़ी। यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया यूनियन चैंपियनशिप लीग 2.0 पे, और रनर अप आसान नहीं होता फाइनल तक का रास्ता, सेमीफाइनल में फाइनल में रनर अप हमारे पार्टन स्ट्राइकर्स टीम यहाँ पे फाइनल में रनर अप रहे हैं। बहुत अच्छी दोनों टीमों में गेम दिखाया है, सबसे बड़ी बात कोई विवाद नहीं हुआ, बड़ी गल हैंडली पहला मैच जितवा दिया था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दिखाई इन्होंने आज ये दो दिन के टूर्नामेंट में, मिस्टर ध्यानेश्वर वाघ जी। और हमारे लीग सेकंड मैच के बेस्ट बॉलर हमारे कप्तान साहब मिस्टर हरबंस सिंह, बेस्ट बॉलर का अवार्ड ने मिल रहा है, बेस्ट बॉलर मिस्टर हरबंस सिंह सेकंड लीग मैच। वेल प्लेड मिस्टर हरबंस सिंह, बहुत बढ़िया। और के बाद थर्ड लीग मैच के थर्ड मैच में लेट्स सी 11 वर्सेस नासिक में से मिस्टर कृष्णा जी मैन ऑफ द मैच, ये धुरंधर बल्लेबाज कॉन्स्टेंटली धुरंधर बल्लेबाज लेट्स सी 11 के, हर मैच में इन्होंने अपना दमखम दिखाया है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है इन्होंने। और थर्ड लीग मैच में हमारे बेस्ट बॉलर मिस्टर संदीप दहिया जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन्हें डाइस पे बुलाते हुए मेरे साथी बैंक में, और बेस्ट बॉलर का अवार्ड इन्हें मिला है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की इन्होंने, कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करते रहे लास्ट मैच तक। और फोर्थ मैच माउंटेन वॉरियर वर्सेस लेट्स सी 11 में मैन ऑफ द मैच अगेन मिस्टर कृष्णा, दिस मैन परफॉर्म्स द वंडर, दिस मैन मेड्स द वंडर, लगातार मैन ऑफ द मैच, और वहीं पे बेस्ट बॉलर जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कांस्टेंट लगातार अच्छी बॉलिंग करते हुए मिस्टर संदीप दहिया बेस्ट बॉलर का अवार्ड, बहुत ही बढ़िया दूसरा अवार्ड लेकर जा रहे हैं आज ये। और लीग प्लेयर सिक्स मैच में